मेरा नाम कुणाल शर्मा है और आज मैं आपका पर्सनल ट्रेनर हूँ। आज जो मैं वीडियोस दिखाने जा रहा हूँ वो कोर ट्रेनिंग के बारे में है। कोर ट्रेनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पहले हमने फ्लेक्सिबिलिटी वर्कआउट किए, पॉस्चर करेक्शंस किए, डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी किए, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, उसके बाद कोर ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। अभी कोर ट्रेनिंग क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और इसको ट्रेनिंग ना करने से क्या नुकसान हो सकता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कोर जो है वो स्टमक और बैक दोनों को मिला के कोर बनता है। अभी ये मसल्स जो हैं अटैच काफ़ी लेग्स से भी हैं, ग्रॉइन से हैं, हिप से हैं, बैक से हैं, तो इन मसल्स को ट्रेन करना किसी भी ट्रेनिंग से पहले बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर आप रनिंग करने जा रहे हैं सुबह उठ के, तो अगर आप कोर को एक्टिवेट करेंगे सबसे पहले, कोर को एंगेजमेंट देंगे सबसे पहले, तो चांसेस हैं इंजरी कम होगी। सो कोर इज़ द फर्स्ट थिंग टू ट्रेन। आज जो मैं वीडियोस दिखाने जा रहा हूँ उसमें कोर ट्रेनिंग में कोर स्ट्रेंथ, कोर बैलेंस और कोर पावर मूव्स हैं, जिसमें मैंने काफ़ी प्रॉप्स भी यूज़ किए हैं। अगर आपके पास प्रॉप्स नहीं हैं तब भी चलेगा, क्योंकि प्रॉप्स के बिना भी मैंने वीडियोस दिखाए हैं। तो आई फील के एवरीबडी शुड ट्रेन कोर एवरी डे मिनिमम 5 to 10 minutes बिफोर स्टार्ट डूइंग एनी अदर ट्रेनिंग। सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स डू इट, द कोर ट्रेनिंग। एक्सरसाइज जो है उसको बोलते हैं पेल्विक फ्लोर मसल्स एक्टिवेशन। जो हमारे पेल्विक, ये पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं, इसका कैसे एक्टिवेशन करना है, ये एक्सरसाइज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एक्सरसाइज के शुरू करने से पहले, क्योंकि ये मसल्स का एक्टिवेशन इतना ज़रूरी है। अगर ये मसल एक्टिवेशन नहीं होगा प्रॉपरली तो आपको ग्रोइन का इंजरी, हिप का इंजरी, कोई भी इंजरी हो सकता है, स्पाइन का इंजरी हो सकता है। सो बड़े ही ध्यान से, बड़े ही आराम से करना है। लेट्स स्टार्ट। अपनी बैक पे लेट जाइए, दोनों नीज बेंड कीजिए। हमको ये मसल्स एक्टिवेट करने हैं, ये मसल्स अटैच है यहां पे। दोनों हाथों को यहां पे रखिए। अभी इसको, नीज को प्रेशर करना है इनसाइड, ओके, और ब्रीद आउट करना है और इसको रोकना है, ओके। सो ब्रीद आउट, ब्रीद इन, रोकना है, बाहर जाते हुए भी प्रेशर डालना है और नीज को रोकना है, अंदर जाते हुए हाथों से नीज को रोकना है, बहुत ही स्लो। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसका नाम है रिवर्स क्रंचेस विद बेंड नीज। ये बहुत ही सिंपल और बिगिनर्स एक्सरसाइज है, इंटरमीडिएट भी नहीं है, एडवांस भी नहीं है। किसी भी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले इन एक्सरसाइज को करना बहुत ज़रूरी है ताकि इंजरी प्रिवेंशन हो। बड़े ही ध्यान से ब्रीदिंग के साथ इसको फॉलो कीजिए। लेट्स स्टार्ट। अपने बैक पे लेटना है, बड़े आराम से नीज बेंड रहेंगे, दोनों हाथ अपने हिप्स के साइड में कंफर्टेबली, ब्रीदिंग आउट जब लात ऊपर जाएगा, बड़े आराम से इस पोर्शन को, स्पेशली हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारी प्रीवियस एक्सरसाइज जो थी उसका प्रोग्रेशन लेवल है। हमने किया था बेंड नी रेज, अभी स्ट्रेट लेग रेज। ये सब एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल और बिगनर्स एक्सरसाइज हैं, तो बड़े ही ध्यान से, मोर देन एक्सरसाइज एक्टिवेशन की तरफ ध्यान देना है, ताकि मसल्स वेकअप हो जाए बिफोर एक्सरसाइज। तो लेट्स स्टार्ट। अपनी बैक पे लेट जाइए, दोनों हाथ वेस्ट की साइड में, हिप्स के साथ
बड़े आराम से, सिंपल ड्रिल है। आपको प्रेशर यहां पे भी फील आएगा, हैमस्ट्रिंग पे भी और यहां पे भी। तो ये दोनों का एक्टिवेशन है, एब्डोमिनल का और कोर का और हैमस्ट्रिंग का, सॉरी। स्पीड नहीं जाना है, बड़े आराम से कॉन्ट्रैक्शन लेते हुए। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ इसी सीरीज में, वो ग्राउंड पे लेट के ही है। बहुत ही सिंपल और बिगनर्स एक्सरसाइज है। लेग रेज जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में दिखाया मैंने आपको, उसमें ही हील टच करना है। तो बड़े ही ध्यान से करना है, लेग रेज करके हील को टच करना है। आप ऊपर भी आ सकते हैं, अपर बॉडी को रेज भी कर सकते हैं अगर आपका फ्लेक्सिबिलिटी कम है, और अगर आपका फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा है तो आप अपना अपर बॉडी ग्राउंड पर रेस्ट करके रखिए और हील को अपर बॉडी की तरफ खींचिए। सो लेट्स स्टार्ट। ग्राउंड पे लेट जाइए बड़े आराम से। मैं आपको दोनों मॉडिफिकेशंस बता सकता हूं, हाथ उसी पोजीशन में, लेग्स वहीं पे। अभी जो लेग रेस कर रहा था उसकी जगह ये है, हम अपर बॉडी रेस कर रहे हैं, हील टच। अभी आप अपर बॉडी को रेस्ट कर सकते हैं, हील को सिर्फ उठाइए, लेग को रेस कीजिए और टच कीजिए और फिर छोड़ दीजिए। सो फ्रेंड्स, आज आपने मेरे कोर ट्रेनिंग के वीडियोस देखे। हर एक सीरीज में 4 वीडियोस हैं, इसको ध्यान से कीजिए, बड़े फोकस लगा के कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें अपने ईमेल कीजिए, हमें मैसेज दीजिए, हम आपको आंसर देंगे। रेडी स्टडी फिट चैनल देखते रहिए, अपने कमेंट्स भेजते रहिए और प्लीज़ रेडी स्टडी फिट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।